फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबी कुकिंग। आज हम बनाएंगे पोटैटो सैंडविच। पोटैटो सैंडविच बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और बच्चों के टिफिन के लिए बना सकते हैं। ट्रैवलिंग में भी बना के इसको साथ लेके जा सकते हैं। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। आइए देख लेते हैं पोटैटो सैंडविच बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। इसको बनाने के लिए मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। जी व्हाइट ब्रेड है, आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। 2 पोटैटो आलू लिए हैं, इसको 1 सीटी दे के बॉईल कर लिया है। 1 हरी मिर्च ली है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। आधी शिमला मिर्च ली है, इसको भी बहुत बारीक काट लिया है। 1 चम्मच धनिया की पत्तियाँ। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको कद्दूकस करके इसका पानी दोनों हाथों से निचोड़ दिया। इसके अलावा हमने बटर लिया है सैंडविच बनाने के लिए। 2 चम्मच टमाटो सॉस ली है। 1 चौथाई नमक, नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1 चौथाई लाल मिर्च पाउडर। 1 चौथाई चाट मसाला। 1 चौथाई गरम मसाला। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आलू को सबसे पहले हम मैश कर लेंगे। हाथों को अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है और आलू को इस तरीके से हम मैश कर लेते हैं। आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम नमक डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, गरम मसाला और चाट मसाला। शिमला मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई, कद्दूकस किया हुआ प्याज, हरे धनिए की पत्तियाँ। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर टमाटो सॉस लगा लेंगे। इसी तरीके से हम चारों ब्रेड के ऊपर टमाटो सॉस लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने चारों ब्रेड के ऊपर टमाटो सॉस लगा ली है। अब हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं। एक ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर अच्छे तरीके से फिलिंग कर लेंगे। चारों तरफ इसको फैला लेंगे अच्छे से। और दूसरी ब्रेड लेके हम इस तरीके से इसको अच्छे से दबा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा ब्रेड भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों ब्रेड तैयार कर लिए हैं। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके ऊपर हम बटर लगा लेंगे। अच्छे से फैलाएंगे बटर को चारों तरफ। और दूसरे ब्रेड पे भी हम इसी तरीके से बटर लगा लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है और हम स्लाइस ब्रेड स्लाइस को इस तरीके से रखते हैं। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से बटर लगा लेंगे। अच्छे से फैला लेंगे बटर को चारों तरफ। और दूसरे ब्रेड पे भी हम लगा लेंगे इसी तरीके से। एक तरफ से ब्रेड हमारा सिक चुका है, अब हम इसको पलट देंगे। दूसरे ब्रेड को भी इस तरीके से पलट, अब दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके इसको सिकने देंगे। ब्रेड हमारे दोनों तरफ से सिक चुके हैं। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसी तरीके से भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से बीच में से कट कर लूंगी। देखिए, इसको मैंने बीच में से काट लिया है। ये देखिए कितने अच्छे सैंडविच बन के हमारे तैयार हुए हैं। और इसी तरीके से हम इसको प्लेट में सजा लेंगे। ब्रेड सैंडविच बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने इसको टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।